किसी भी छोटी चीज को महत्वपूर्ण बना देती और कोई भी स्मृति ही महत्व है, वही वही कीमती चीज है, वही कीमती चीज है। हमारे पास, हमें तुलना नहीं करनी चाहिए, पर अपनी बात को और जरा आनंद करने के लिए श्री राधा रमण जी बड़ी बड़ी जड़ाऊ पोशाकें पहनते हैं, पर वो पोशाकों में सोने का तार होता है, हीरों का उसमें लगा जाता है। नीरज ने राधा रमण जी की स्वर्ण पोशाक भी बनाई है, ठाकुर जी ने धारण की है। क्या क्या नहीं पहनते, कल की छटा क्या छा रही थी, परसों की छटा क्या छा रही थी, पिछले वर्ष की छटा क्या छा रही थी, हर वर्ष की छटा क्या छा रही थी। और ये बात तो ऐसी है, आज का तो अभी तक मैंने दर्शन भी नहीं किया, पर मुझे पूरा मालूम है गजब की छटा होगी महाराज। पर एक बात को शायद महंगी से महंगी पोशाक भी कुछ हजारों की आती होगी, सोने हीरे की बना दो तो कुछ लाखों की आती होगी, पर वो लाखों के कपड़े की भी गौर हरि के गुदड़ी से कोई तुलना नहीं की जा सकती। वो लाखों की पोशाक भी महाप्रभु के उस गुदड़ी के सामने कुछ नहीं है, व्यर्थ है महाराज, उनकी कोई कीमत नहीं है। हमें मालूम है हम भीतरियां हैं, ठाकुर जी की पोशाक इतनी बार बदले, इतना सब समान है, तो कई बार ऐसे इधर उधर भी धरी रहती हैं। पर श्रीमन महाप्रभु का वो वस्त्र जो श्री महाप्रभु ने स्वयं अपने हाथ से श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज को भेजा, श्री रूप सनातन आदि ने उनको प्रदान किया, एक सुंदर स्वर्ण के फ्रेम में सुसज्जित करके, रजत के फ्रेम में सुसज्जित करके, बड़ी व्यवस्था से, बड़ी मर्यादा, और स्वयं महाप्रभु की तरह उसकी भीतर व्यवस्था रहती है, अर्चन पूजन होता है, आरती होती है। चूंकि वो वस्त्र गौर हरि की स्मृति है महाराज, अर्जुन गीता के अंत में कहते हैं कि नष्टो मोह स्मृतिर लब्ध हुआ, हे भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति की प्राप्ति हो गई। इस बात को ध्यान से समझना होगा महेश जी। मोह हम कहते हैं, हम स्मृतियों के चक्कर में ही तो फंसे हुए हैं, क्या ये हमारा मोह है जो हमें स्मृतियां कराता है? हम दोनों शब्दों को बहुत एक सा समझते हैं, और व्यवहारिक दृष्टि में ये दोनों चीज एक ही है। महाराज जी गोवर्धन आ गए हैं, फिर भी ये जो घर का स्मरण हो रहा है, क्या ये हमारा मोह है? अब बात विचार की, अर्जुन ने इन दोनों को अलग अलग कहा है। सामान्यतः हमारे अनुभव में ये दोनों चीज एक सी हैं। जिस वस्तु से मोह होता है उस वस्तु का स्मरण होता है, ये स्वाभाविक बात है। पर अर्जुन कहता है दोनों में अलग बात है, दोनों का प्रभाव अलग अलग है। मोह और स्मरण में फर्क है। स्मरण का मतलब किसी भी चीज को याद करना, सरल बात है। दोनों में अंतर है। सही कहूं तो मोह रुलाता है, स्मरण नचाता है महाराज। अगर मैं अपने गुरुदेव का मोह करूं तो रोऊंगा, पर स्मरण करूं तो कथा करूंगा महाराज। दोनों में फर्क है।
तुम किसी का मोह करो तो उस वस्तु के लिए दुखी होगे, पर अगर उसका स्मरण करो तो उस वस्तु के लिए आलादित होगे, आनंदित होगे, गाओगे गाओगे। ये दोनों बिंदु बहुत अलग हैं। पर जैसे खान में से कोयला अलग करके हीरा निकालना पड़ता है, ऐसे ही मोह को अलग करके स्मरण निकालना पड़ता है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा।